व्यापार सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में व्यापारी नेता संजय सिंघानिया, रमेश गुप्ता, विशाल गुप्ता सहित अन्य व्यापारी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से जाम की समस्या, व्यापारियों की सुरक्षा, स्कूलों के सामने मनबड़ों के घूमने की समस्या सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसके लिए एसपी क्राइम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल सूचित करते हुए उसके निस्तारण की बात कही। बैठक के संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, श्री अशोक सर, ये महाविद्यालय थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। महाविद्यालय के बच्चों द्वारा आपस में मात्र दारू अध्ययन के दुकान खोलने के कारण इतने से नियमानुसार तो वैसे ही है, वहाँ पर पी नहीं रहा है। ये शिकायत था कि सर नियमानुसार निस्तारण हो गया, सर निस्तारण कर दिया आएंगे और फिर वही मोड़ पे इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे किसी लड़कियाँ आती हैं रात का विद्यालय ना? जी सर, 4-5 जगह में जाओगे आज हमारे दस्तावेज के लिए 4-5 मोटरसाइकिल होंगे, 6-7 हो जाएंगे। आपके यहाँ थाना क्षेत्र में पड़ता है और कुछ दिन पहले 4-6 बच्चों ने आपस में मारपीट कर लिया था। खास तौर से यातायात व्यवस्था और शहर में कुछ बाइकर्स हैं वो हुड़दंग मचाते हैं, उनके बारे में अभी तक बातें सामने आई हैं और ये जाम वाली समस्याएं रहती है। अभी नई समस्याओं के बारे में बात हो नहीं पाई है तो, और ये प्रत्येक माह मीटिंग होती है व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मीटिंग और काफ़ी हाँ स्कूल कॉलेज खुले हैं अभी। बिल्कुल आपने सही कहा, एक मामला अभी ये गघा थाना क्षेत्र के राधिका महाविद्यालय के बारे में जानकारी मिली, वहाँ भी SHO गघा को और उनकी एंटी रोमियो टीम को भी बताया गया कि स्कूल खुलते ही अपना जा करके वहाँ देखेंगे। वह कुछ सौते टाइप के बच्चे वहाँ इकट्ठा होते हैं, कमेंटबाजी करते हैं, तो यही सब बातें हैं जो समाज से संबंधित बातें हैं, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित बातें हैं, इन्हीं सबको लेकर के मीटिंग आयोजित की गई है।